डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको इसमें मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स में टू टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आपको पढ़ने हैं। एक आपका है क्रोम ईथर्स, दूसरा आपको क्रिप्टन। ये क्रोम्स इथर क्या है या क्रिप्टन इथर्स क्या है, अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोनों आपका एग्जांपल्स है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स होता क्या है। ठीक, तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि कैसे आपका जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स कैसे मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, इसके बाद जब हम मोनोसाइक्लिक को हम पॉलीसाइक्लिक लिगेंड्स के साथ रिप्लेस करता है तो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसा होता है और आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, वो हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, तो वहां जो है हमने ये देखा कि जब हम मोनोडेंटेड लिगेंड्स को जब हम पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के साथ रिप्लेस करता है तो हमारे कॉम्प्लेक्स में जो स्टेबिलिटी आ जाता है वो बढ़ जाता है। तो वहां पे हमने जो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना था वो था कि हमने वहां पे चिलेड रिंग की फॉर्मेशन होता है और चिलेड रिंग की फॉर्मेशन की वजह से हमारा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, उसे हम चिलेड इफेक्ट कहते हैं। उसको हमने एक्सप्लेन भी किया कि चिलेड इफेक्ट से आपका कौन से फैक्टर्स पे आपका यूजुअली इसमें हमारा थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज उन पे जो इफेक्ट पड़ता है, जिनमें हमारा गिब्स फ्री एनर्जी था या हमारा जो कि इक्वेशन हमने लिखा था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस वाले इक्वेशन पे हमने देखा कि इसमें कौन कौन से फैक्टर की चेंज की वजह से हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है। गिब्स फ्री एनर्जी की चेंज की वजह से हमारा जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है या स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम केएफ से डिनोट करता है या लॉग बीटा से डिनोट करता है, उनमें चेंज की वजह से हमारा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाता है ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड विद पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो जब हम मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स की बात करते हैं तो ये मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स क्या है, ये भी आपका एक स्पेशल क्लास ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड है। ये भी क्या है तो लिगेंड्स है लेकिन पॉलीडेंटेड लिगेंड है। अब इसका बिहेवियर क्या होता है कि इनमें क्या होता है, ये जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है वो आपका एक रिंग फॉर्म में एक रिंग फॉर्मेशन होता है इनके मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड में, जिसमें क्या होगा जो मेटल आयन होगा वो उस रिंग के बीच में आपका मेटल आयन होगा और इसका जो डोनेटिंग एटम्स होगा वो उस मेटल आयन को इनसर्कल किया हुआ होगा। ठीक है, तो हम जो मैक्रोसाइक्लिक जो लिगेंड है, ठीक है, अगर हम मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स को हम एक्सप्लेन करें तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दीस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड। ये भी क्या है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड है, मींस इसमें नंबर ऑफ डोनर एटम्स जो है वो एक से ज्यादा है, जो नंबर ऑफ डोनर एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल आयन को वो एक से ज्यादा होंगे। पॉलीडेंटेड मींस जिसमें डोनर एटम एक से ज्यादा है। ठीक है, दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड इन विच द ligating atoms are constrained in a large ring
encircling the metal atom. ये आपका एक स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड है, जिसमें क्या होता है आपका जो लिगेटिंग एटम हो, जो लिगेंड का एटम है, वो एक रिंग फॉर्म में, बड़े रिंग फॉर्म में कंस्ट्रेंट किया हुआ आता है, डिजाइन किया हुआ आता है, और उस रिंग के बीच में आपका क्या होगा, मेटल एटम होगा. ऐसा आपका रिंग फॉर्म होंगे, ठीक है, रिंग फॉर्म होंगे. तो यहां पे जो मेटल एटम होगा, तो इसको रिंग फॉर्म में इनसर्कल क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, और इनका जो डोनेटिंग एटम है वो फिर अपना इलेक्ट्रॉन इन द मिडल ऑफ दैट रिंग मेटल एटम को आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. तो ये है तो आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड है, लेकिन इनका जो डिजाइन है वो बाकी, जिसमें हमने मोनोडेंटेट, बाइट्राइड, जो हमने हेक्साडेंटेड लिगेंड तक हमने पिछले लेक्चर में देखा था, नॉर्मल उनकी लिगेंड्स की तरह नहीं होता, इनकी डिजाइन जो है वो अलग तरीके से होता है. है तो ये भी आपका क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है. ठीक है, इनमें जो पहला एग्जांपल है, सबसे जो पहला एग्जांपल आपको पढ़ना है आपकी सिलेबस के हिसाब से, वो है आपका क्रोम ईथर. पहला एग्जांपल आपको जो पढ़ना है उनमें से आपका पहला है क्रोम ईथर, सेकंड आपको क्या है, क्रिप्टेन है. ये दोनों क्या है, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है. माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड क्या होता है वो हमने डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया, कि ये एक तो स्पेशल क्लास ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड है, लेकिन इनका जो डिजाइन है, लिगेंड की जो डिजाइन है, जिसमें क्या होता है, लिगेटिंग एटम आपका एक रिंग फॉर्म में कंस्ट्रेंट किया होता है, उनके बीच में आपको क्या मिलेगा, मेटल एटम मिलेंगे. तो इसका पहला जो एग्जाम्पल है क्रोन ईथर है, दूसरा आपका है क्रिप्टन. तो हम डिटेल्स में देखेंगे क्रोन ईथर क्या होता है और कैसे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है मेटल आयन के साथ. ठीक है, क्रोन इथर नाम क्या है, क्रोन है, इथर है, ये क्या चीज है, ये आपका क्या है, पॉली इथर है. ठीक है, पॉली इथर है, पॉली इथर. अब इसमें डोनेटिंग एटम्स क्या होंगे, जो लिगेंड को, जो मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वो है आपका इस वाले इथर का ऑक्सीजन. ये इथर का क्रोन शेप बनाएंगे, उसमें डोनेटिंग एटम जो होगा वो इथरल ऑक्सीजन होगा. जो इथर वाला ऑक्सीजन होगा वो मेटल आयन को क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. ठीक है, क्रोन इथर्स या पॉली इथर्स. ठीक है, पहला वाला इसमें पॉली इथर है, जिसे हम क्रोन इथर भी कहते हैं, पॉली इथर, इसको हम पॉली इथर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो पहला जो स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड है वो पॉली इथर है, जो कि आपका क्रोन इथर बनाते हैं. इनमें क्या करता है, द इथरल ऑक्सीजन. इथर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जो इथर का ऑक्सीजन होता है. ठीक है, इथरल ऑक्सीजन एटम्स आर आर सेपरेटेड बाय टू मिथिलीन ग्रुप्स. आपका जो इथरल ऑक्सीजन हो वो सेपरेट किया होता है दो मिथाइलीन ग्रुप से. कैसे, अब इनका हमने क्या कि इसका डिजाइन अलग होता है, इन वाले लिगेंड्स का डिजाइन अलग होता है. ईच लाइ इन ए प्लेन. दूसरा इनका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कि ये प्लेनर होता है. ठीक है, सारे एटम्स होता है वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होता है, प्लेन, या हम इसको नियरली प्लेनर लिख सकते हैं. ठीक है, नियरली प्लेनर अरेंजमेंट. अरेंजमेंट इनका अलग होता है, तो यह भी पॉली इथर है. ठीक है, जिस तरह हमने पॉलीडेंटेड लिगेंड पढ़ा था, अब इनकी जो अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है.
यूजुअली ये प्लेनर होता है और नियरली प्लेनर होता है। इथरल ऑक्सीजन एटम्स आपका दो जो दो इथर के बीच में आपका एक टू मिथाइलिन ग्रुप्स होंगे जो कि एक इथर ऑक्सीजन को दूसरे इथर ऑक्सीजन के साथ आपका सेपरेट किया होगा। ठीक है, अरेंजमेंट किसके अराउंड अबाउट द सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के इर्द गिर्द आपका इस तरह अरेंजमेंट किया होगा। ठीक है, और द रिमाइंडर ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाई इन ए क्रॉन अरेंजमेंट। एक क्रॉन की शक्ल में आपका बाकी जो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक क्रॉन की शक्ल में अरेंज किया होता है, इसीलिए हम इसको क्रॉन इथर भी कहते हैं, इसीलिए इनको हमने नाम दिया है, हेंस द नेम क्रॉन इथर, इसीलिए हम इनको क्रॉन इथर भी कहते हैं। तो पहला जो एग्जांपल था वो पॉली इथर है, पॉली इथर को हम क्रॉन इथर्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो अरेंजमेंट ऑफ द एटम है, जो अरेंज करता है एटम्स को, इनको हम एक क्रॉन की शक्ल में हम अरेंज करता है, इसीलिए हम इनको क्रॉन इथर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रॉन को क्रॉन इथर्स होता कैसा है और इनकी शेप कैसा होता है और इनको हम नाम कैसे देते हैं। तो क्रॉन इथर की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो सबसे हमारे पास छोटा क्रॉन है वो है आपका क्रॉन फोर, मींस इसमें शक्ल जो होगा क्रॉन की तरह होगा लेकिन चार मिथाइलिन ग्रुप होंगे, इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा बनता है। ठीक है, आपका चार इस तरह ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, अब यहां पे जो हमने मिथाइलिन प्रोटोन, ये क्या है CH2 CH2, दो दो मिथाइलिन प्रोटोन से आपका दो इथर ऑक्सीजन के बीच में जो डिस्टेंस है, या दो इथरल ऑक्सीजन को दो मिथाइलिन प्रोटोन से हमारा क्या किया होता है, सेपरेट किया हुआ होता है इस तरह। तो ये आपका जो सबसे सिंपलेस्ट छोटा क्रॉन है इसको हम क्रॉन फोर कहते हैं, इस तरह हम नेमिंग करता है। अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसको यूजुअली हम 12 क्रॉन फोर कहते हैं। तो ये आपका सबसे सिंपलेस्ट क्रॉन है, क्रॉन इथर है, पॉली इथर। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होगा, हमने कहा कि जो इथरल ऑक्सीजन है वो सेपरेट किया हुआ होता है टू मिथाइलिन ग्रुप से, यहां CH2 है यहां CH2 है, दो इथरल ऑक्सीजन के बीच में हमारा दो मिथाइलिन प्रोटोन है, सब नियरली एक प्लेनर अरेंजमेंट में अरेंज किया होता है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, बोर्ड की ही आपके प्लेन में सारा एटम्स प्रेजेंट है। अब यहां पे अबाउट द सेंट्रल मेटल एटम, अब सेंट्रल मेटल एटम कहां होंगे, यहां बीच में होंगे, बीच में आपका सेंट्रल मेटल एटम होंगे, क्योंकि ये इथरल ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटल एटम को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ठीक है, द रिमाइंडर ऑफ द मॉलिक्यूल लाई इन ए क्रॉन अरेंजमेंट, ओवरऑल ये एक क्रॉन की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, क्रॉन इथर भी कहते हैं। तो पहला जो आपका मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड का एग्जांपल है वो क्रॉन इथर, और ये आपका सबसे सिंपलेस्ट क्रॉन है 12 क्रॉन 4। ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 12 है और क्रॉन कितना है आपका 1 2 3 4, 4 क्रॉन है। तो ये पहला आपका जो सिंपलेस्ट क्रॉन है। अब हम देखते हैं क्रॉन फोर के बाद आपका आएगा क्रॉन फाइव, इसका कुछ क्रॉन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे और वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो क्रॉन फोर का तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब क्रॉन फाइव का बनाता है। ठीक है, क्रॉन फाइव का मींस इस वाले स्ट्रक्चर में क्रॉन कितना है, 5 क्रॉन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम भी कितने होंगे, 5 होंगे, 1 2 कैसे आप बना सकते हैं, 3 4 5।
पांच आपके पास क्या है, ऑक्सीजन एटम है, इसीलिए आपका पांच क्रोन भी होंगे। तो सेपरेट कैसे किया होता है, मिथाइलिन एक CH2 इधर, एक CH2 इधर, टू मिथाइलिन ग्रुप आपकी दो इथरल ऑक्सीजन को क्या करता है, सेपरेट करता है, इससे आपका क्रोन बनेंगे। ठीक है, इससे आपका क्रोन बनेंगे, इन दोनों के बीच में बनेंगे ऐसे, इन दोनों के बीच में बनेंगे ऐसे, और इन दोनों के बीच में आपका ऐसे बनेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 कितना है, पांच क्रोन है। ठीक है, अगर हम इसका फुल नेम लिखें तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो इसका पूरा नाम है, इस तरह लिखते हैं, 15 क्रोन 5, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 15 है, क्रोन कितना है 5 है, और इथरल ऑक्सीजन एटम भी कितना है 5, क्रोन और आपका इथरल ऑक्सीजन बराबर होंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ये बीच में मेटल आयन होंगे, ये इथरल ऑक्सीजन ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे इस वाले मेटल एटम को, क्योंकि ये रिंग फॉर्म में है, तो ये आपका पता है कि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या करता है, अटेन करता है, ये आपका क्रोन 5 हो गया। नेक्स्ट आपका जो वेल नोन एग्जाम्पल है वो क्रोन 6 के लिए है। ठीक है, 6 मीन्स आपका यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, आपका 6 है, 1, 2, 3, 4 एक ऊपर रहेंगे एक नीचे, 5, 6 ये सब क्या कर रहे होंगे, दो मिथाइलिन ग्रुप से सेपरेट किया हुआ होगा इस तरह। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ क्रोन तो 6 है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसका पूरा नाम होगा 18 क्रोन 6। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, हमने डेफिनेशन ने ही हमें बताया कि मेटल एटम के अराउंड हमारा क्या होता है, ये वाला क्रोन डिजाइन किया हुआ होता है, तो ये क्रोन इधर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस वाले सेंट्रल मेटल आयन को, तो ऐसे आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होंगे इन केस ऑफ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो सिंपलेस्ट 3 क्रोन का स्ट्रक्चर है, 12 क्रोन 4, 12 क्रोन 5, 12 क्रोन 6, और ये तीनों जो क्रोन है वो कैसे आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, ये आपका पेक्टोरियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमने पिछले जो लेक्चर में देखा था कि जब हम हमारा ये रिंग फॉर्म में बनता है तो वो अपना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करता है, इसी तरह आपका यहाँ क्रोन भी क्या करता है, ये जो माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड है वो इसीलिए जाना जाता है कि ये अनयूजुअल प्रॉपर्टी शो करता है जो कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो हम अगर इस माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स के बारे में जाने तो, ठीक है, तो ये जाना जाता है दिस माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स, हैव अनयूजुअल प्रॉपर्टी टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। ये माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स इस प्रॉपर्टी के लिए, अनयूजुअल प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है कि ये क्या बनाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ अल्कली मेटल्स। आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये माइक्रोसाइक्लिक्स जाना जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए किसके साथ, अल्कली मेटल के साथ, जिसमें हमारे लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटाशियम हुआ, रुबीडियम हुआ, सीजियम हुआ, ये जो क्रोन इथर्स है वो आपके अल्कली मेटल्स के साथ बहुत अनयूजुअल स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि जो साइज ऑफ द अल्कली मेटल्स है और इन क्रोन की साइज जो है वो क्या होता है, कंपेटेबल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अल्कली मेटल्स सारे क्रोन्स के साथ एक ही लेवल के, एक ही स्टेबिलिटी के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है।
साइज के हिसाब से आपका मेटल का मेटल जो है वो प्रेफर करता है। कुछ मेटल इसके साथ अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, कुछ मेटल्स क्रोन 5 के साथ बना लेता है, प्रेफरेंस अलग है मेटल आयन की, और कुछ मेटल आयन इस क्रोन 6 के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड है उनके पास अनयूजुअल प्रॉपर्टी होता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अल्कली मेटल के साथ। तो ये जो स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से है? ठीक है, दिस एक्सेप्शनल स्टेबिलिटीज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अल्कली मेटल्स विथ किसके साथ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स हैज बीन किसकी वजह से attributed to the close fitting comparable size है alkali metal और microcyclic जो क्रोन की जो कैविटी है उनके बीच में has been attributed to the close fitting of the alkali metals metal ion into the cavity oblique hole जो macrocyclic ligand के बीच में जो cavity है या hole है in the center of ligand तो ये जो extra stability है कॉम्प्लेक्स का बिटवीन अल्कली मेटल एंड मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड ये किसकी वजह से है? क्योंकि जो साइज ऑफ द अल्कली मेटल आयन है एंड द कैविटी ऑफ और होल इन द मिडल ऑफ द लिगेंड इन द सेंटर ऑफ द लिगेंड के बीच में जो कैविटी है जो होल है वो क्या है कंपेरेबल है। इसीलिए आपका अल्कली मेटल्स क्या करता है इन क्रोन इथर्स के साथ या इन मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स के साथ बहुत स्टेबल अनयूजुअल स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। लेकिन हमने कहा कि पहले कहा कि ये जो अल्कली मेटल्स और क्रोन के बीच में जो स्टेबिलिटी है या उनका जो प्रेफरेंस है वो अलग अलग है। ठीक है, क्रोन फोर अपना एक अलग प्रेफरेंस के साथ बनाता है। जैसे कि अगर हम क्रोन फाइव की बात करें तो क्रोन फाइव के प्रेफरेंस जो अल्कली मेटल के लिए है वो ऐसा है, सबसे ज्यादा ये लिथियम आयन को प्रेफर करता है क्रोन फाइव कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। फिर हम सोडियम पे आ जाता है, क्रोन फाइव लिथियम के बाद सोडियम को प्रेफर करता है, फिर पोटाशियम को करता है, फिर सीजियम को करता है आपका क्रोन फाइव। ये चार अल्कली मेटल्स के साथ आपका क्रोन फाइव स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। प्रेफर किसको करता है सबसे ज्यादा? लिथियम को, फिर सोडियम को, फिर पोटाशियम को, फिर सीजियम को। क्रोन अगर सिक्स की बात करें, ठीक है, जिसका हमने स्ट्रक्चर बनाया, क्रोन सिक्स प्रेफर करता है आपका सबसे ज्यादा सोडियम को, फिर पोटाशियम को करता है, ठीक है, पोटाशियम आयन्स को, फिर लिथियम आयन्स को करता है, इसके बाद आपका रुबिडियम आता है और आपका सीजियम आता है। ये है प्रेफरेंस ऑफ क्रोन सिक्स फॉर द अल्कली मेटल आयन्स को। क्रोन सेवन की अगर हम बात करें तो ये प्रेफर करते हैं सबसे ज्यादा पोटाशियम को, फिर हमारा सोडियम को, इसके बाद हमारा रुबिडियम को, इसके बाद हमारा लिथियम को, और हमारा लास्ट जो है सीजियम को करता है।
ठीक है, तो हमने ये तो कहा कि जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड और अल्कली मेटल के बीच में बहुत अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन जो क्रोन अपना कुछ अलग प्रेफरेंस देता है, दिखाता है अल्कली मेटल के ओर। जैसे कि हमने यहाँ देखा क्रोन 5 सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता है लिथियम को, मीन सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा लिथियम के साथ, फिर सोडियम के साथ, फिर पोटाशियम के साथ, फिर सीजियम के साथ। उसी तरह क्रोन 6 अपना अलग जो प्रेफरेंस दिखा रहा है सबसे ज्यादा सोडियम के साथ, फिर पोटाशियम के साथ, फिर लिथियम के साथ, फिर रुबिडियम के साथ, फिर सीजियम के साथ। इसी तरह आपका क्रोन 7 अलग प्रेफरेंस दिखा रहा है सबसे ज्यादा पोटाशियम को, फिर सोडियम को, फिर रुबिडियम को, फिर लिथियम को और फिर सीजियम को। तो इसका मतलब यह है कि ऑल्दो एल्किली मेटल्स फॉर्म वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स, हाउएवर द प्रेफरेंस ऑफ डिफरेंट क्रोन्स टू एल्किली मेटल्स, डिफरेंट एल्किली मेटल्स आर डिफरेंट। जो क्रोन की प्रेफरेंस है वो कॉमन नहीं है, सारा क्रोन एक जैसे मेटल आयन के साथ स्ट्रॉन्ग जो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता है। अगर क्रोन 5 की बात करते हैं तो क्रोन 5 फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद लिथियम आयन, क्रोन 6 फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद सोडियम आयन, क्रोन 7 फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद पोटेशियम आयन, क्योंकि यहां पे क्रोन 5 का साइज मोस्ट कंपेटेबल है लिथियम के लिए, क्रोन 6 का मोस्ट स्टेबल जो या मोस्ट प्रेफर या मोस्ट जो कंपेटेबल साइज है वो सोडियम के लिए है, और क्रोन 7 का जो मोस्ट कंपेटेबल साइज है वो पोटेशियम के लिए है। तो ये है आपका कैसे आपका अल्कली मेटल आयन बनाता है कॉम्प्लेक्स आपका मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स के साथ। तो ये है आपका पहला जो टाइप ऑफ मैक्रोसाइक्लिक है, क्रोन इथर्स या हम पॉली इथर्स भी कह सकते हैं, ये कैसे आपका अल्कली मेटल्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्रोन इथर्स को हमने देख लिया कैसे ये अल्कली मेटल के साथ और किस प्रेफरेंस में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। नेक्स्ट जो है वो आपका क्रिप्टेंस है। ये क्रिप्टेंस क्या है? ठीक है, तो ये क्रिप्टेंस आपका जो है बाईसाइक्लिक सिंथेटिक बाईसाइक्लिक या आपका पॉलीसाइक्लिक मल्टी डेंटेड लिगेंड्स है जो कि वैरायटी ऑफ कैटेंस को अपने उस कैविटी में फिट करता है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, तो क्रिप्टेन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्रिप्टेंस आर ए फैमिली ऑफ सिंथेटिक बाईसाइक्लिक, या तो आपका ये बाईसाइक्लिक हो सकता है मींस दो साइकिल हो सकता है इनमें, और पॉलीसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड, जो लिगेटिंग एटम्स होगा इसमें जो डोनर ग्रुप होगा वो एक से ज्यादा होगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, फॉर ए वैरायटी ऑफ कैटेंस, तो ये भी क्या करता है, वैरायटी ऑफ कैटेंस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। जिस तरह क्रोन इथर का अरेंजमेंट अलग है उसी तरह हमारा क्रिप्टेन का भी अरेंजमेंट अलग है। ऑल्दो क्रिप्टेन भी क्या है आपका मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है या पॉलीडेंटेड लिगेंड है। तो क्रिप्टेंस को हमने एक्सप्लेन किया, आर ए फैमिली ऑफ सिंथेटिक, या तो बाईसाइक्लिक होगा और पॉलीसाइक्लिक होंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड जो डोनर ग्रुप होगा वो एक से ज्यादा होंगे, फॉर ए वैरायटी ऑफ कैटेंस। तो ये जो स्पेशल जो क्रिप्टेन की डिस्कवरी के लिए आपका, क्योंकि ये इसकी वजह से आपका जो सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है
वो उसका बहुत एक्सपेंशन हो चुका है। तो ठीक है, प्रेजेंटली उसमें बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपका इस तरह पॉलीसाइक्लिक या बाईसाइक्लिक क्रिप्टन टैप लिगेंड्स लोग सिंथेसिस कर रहे हैं और इसके साथ साथ उसका कॉम्प्लेक्स भी फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी क्रिप्टन की डिस्कवरी के लिए आपका, ठीक है, एक तो इसकी डिस्कवरी, दूसरा इसके आपका जो इनकी एप्लीकेशन या इनकी यूज क्या है वो दिखाने के लिए। ठीक है, फॉर द डिस्कवरी एंड डिटरमाइनिंग इट्स यूसेज इन 1987 थ्री Scientists were awarded Nobel Prize. केमिस्ट्री में तीन साइंटिस्ट को इन क्रिप्टन की एक तो डिस्कवरी के लिए और इनके यूसेज के लिए कि ये किस एप्लीकेशन के लिए है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए दिखाने के लिए 1987 में तीन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे? पहला जो साइंटिस्ट था वो डोनाल्ड जे क्रैम था। ठीक है, डोनाल्ड जे क्रैम एक था। दूसरा साइंटिस्ट था आपका जीन मैरीलैंड तीसरा जो साइंटिस्ट था वो चार्ल्स जे पेडरसन था। इन तीन साइंटिस्ट को 1987 में फॉर द डिस्कवरी एंड डिटरमाइनिंग इट्स एप्लीकेशन ऑफ क्रिप्टन्स दीज थ्री साइंटिस्ट वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1987। ये जो क्रिप्टन है वो स्पेशल क्लास ऑफ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है जो कि आजकल सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में बहुत वास्टली इन पे रिसर्च हो रहा है। ठीक है, अब ये क्रिप्टन क्या है? ये भी मैक्रोसाइक्लिक टाइप या क्रोन इथर टाइप्स है बट इनका थ्री डायमेंशनल एनालॉग है। ठीक है, दिस माइक्रो दिस क्रिप्टन मॉलिक्यूल्स आर थ्री डायमेंशनल एनालॉग्स ऑफ क्रोन इथर। ये भी क्रोन इथर टाइप का ही है जबकि उनकी थ्री डायमेंशनल एनालॉग है। ठीक है, लेकिन ये क्रोन इथर से क्या होगा? बट आर मोर सेलेक्टिव है। ठीक है, इनकी जो फंक्शन है मोर सेलेक्टिव है देन क्रोन इथर से। क्रोन इथर्स की हमने प्रेफरेंस देखा लेकिन ये भी थ्री डायमेंशनल एनालॉग्स ऑफ क्रोन इथर है बट दिस आर मोर सेलेक्टिव। इनकी जो सिलेक्शन ऑफ कैटेंस है वो बहुत क्या है? सिलेक्टिव है। ठीक है, सिलेक्टिव एंड ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स की क्या करता है? फॉर्मेशन करता है एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। दिस क्रिप्टन मॉलिक्यूल्स आर थ्री डायमेंशनल एनालॉग्स ऑफ क्रोन इथर्स बट दिस आर मोर सिलेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। एक तो ये सिलेक्टिव है, ये सारे कैटेंस को इंटर नहीं करता है और इस इनकी जो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन है वो आपका क्रोन इथर से क्या है? स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ क्रिप्टन्स के साथ। क्रोन इथर्स के साथ भी होता है लेकिन इन कंपैरिजन टू क्रोन इथर क्रिप्टन्स आर मोर सिलेक्टिव एंड मोर स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विल टेक प्लेस बिटवीन क्रिप्टन्स एंड मेटल आयन। ठीक है, सिलेक्टिविटी की वजह से इनके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और भी बढ़ जाता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लेंगे जो मोस्ट कॉमन
एंड इम्पॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा यूज होगा तो उसका इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होगा. द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट क्रिप्टन इस, जिसको हम सबसे ज्यादा जिसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसको हम ऐसे लिखते हैं, टू टू टू, तीन स्क्वायर ब्रैकेट में टू 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 लिखेंगे, क्रिप्टन लिखेंगे, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है. ठीक है, इस वाले टू 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 क्रिप्टन का स्ट्रक्चर आपका ऐसा है, एन है, सी एच टू है, सी एच टू ओ, फिर सी एच टू, सी एच टू ओ, सी एच टू, सी एच टू एन. ऐसा इस वाले टू 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 क्रिप्टन हम जिनका जिसे कहते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला है, एन है, सी एच टू सी एच टू ओ है, सी एच टू सी एच टू ओ है, सी एच टू सी एच टू, मीन्स यहां भी ऑक्सीजन है और मिथाइलिन एक दो इथरल ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. और ये जो टू है, ये टू आपका डिनोट करता है नंबर ऑफ इथरल ऑक्सीजन, कितना नंबर ऑफ इथरल ऑक्सीजन आपका, क्योंकि इसको हम थ्राइस करेंगे क्योंकि ये तीन बार रिपीट होगा. ठीक है, टू 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 मीन्स हर जो थ्री चेन में हमारा दो दो ऑक्सीजन एटम है. ठीक है, दो दो इथरल ऑक्सीजन एटम है, तो यहां जो टू 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 है, ठीक है, ये जो टू वेयर दे नंबर टू 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 इंडिकेट्स क्या दिखाता है, द नंबर ऑफ इथरल ऑक्सीजन. आपका ये जो नंबर क्या शो करता है, इथरल ऑक्सीजन शो करता है. वो आपको और क्लियर होगा जब आप इसका स्ट्रक्चर बनेंगे. जब इथरल ऑक्सीजन शो करेंगे तो ये आपको शो कर रहा है नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या करेंगे, कैटायंस के साथ बाइंड होंगे. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस द बाइंडिंग साइट्स. कौन कौन सी साइट्स के साथ आपका जो कैटायन बाइंड होता है वही शो करता है. टू 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 मीन्स आपका हर ब्रांच में दो दो क्या है, इथेनॉल ऑक्सीजन है, जो कि आप मेटल आयन के साथ क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है. ठीक है, और ये नाइट्रोजन क्या करेंगे, एज ए ब्रिज काम करेंगे. नाइट्रोजन एज ए ब्रिज काम करेंगे. तो अगर हम इस टू टू क्रिप्टन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो आपका ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है. इधर हम बनाते हैं, ये नाइट्रोजन है. ठीक है, हमने कहा हर जो दो दो ऑक्सीजन के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में दो मिथाइलिन मॉलिक्यूल होगा जो इनको सेपरेट करेंगे. ठीक है, ये होंगे, फिर यहां पे क्या होगा, एन होगा. एन का क्या काम है, एन का काम है ब्रिज का काम करना. एन का क्या काम है, ब्रिज का काम है. फिर यहां पे दूसरे ब्रांच का क्या होगा, ऑक्सीजन होंगे. ठीक है, क्योंकि हमने कहा है टोटल इसमें तीन ब्रांचेस है, तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये वाले नाइट्रोजन का हमने कहा कि वो ब्रिजिंग का काम करता है, दो जो चेन के जोड़ने का ब्रिजिंग का काम करता है. तो ये दो जुड़ेंगे, ठीक है, ये दो जुड़ेंगे, ये दो जुड़ेंगे, ये दो जुड़ेंगे. तो ये आपका है टू 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 क्रिप्टन, जिसका फॉर्मूला है एन है, सी एच टू सी एच टू ओ, सी एच टू सी एच टू ओ, सी एच टू सी एच टू सी एच टू, थ्राइस है. एक यहां पे है सी एच टू एन, सी एच टू सी एच टू ओ, सी एच टू सी एच टू ओ, सी एच टू सी एच टू एन. ये ब्रिज हुआ, एन सी एच टू सी एच टू ओ, सी एच टू सी एच टू ओ, एन सी एच टू सी एच टू एन, सी एच टू सी एच टू ओ, सी एच टू सी एच टू ओ, सी एच टू सी एच टू एन. तो हमने यहां लिखा है एन सी एच टू सी एच टू ओ, इसको हमने थ्राइस कर दिया. मीन्स क्या है, थ्राइस, तीन यहां पे क्या है, रिंग है. ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, इनके बीच में कहीं मेटल आयन आएंगे इस तरह, और ये सारा ऑक्सीजन क्या करेंगे, इस मेटल आयन के साथ या कैटायन के साथ क्या करेंगे, नाइट्रोजन भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन, इस तरह आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो ये है माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स के बारे में. दो माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, एक पॉलीइथर जिसे हमने क्रोन इथर्स भी कहा,
और दूसरा आपका उससे भी मोर सेलेक्टिव है वो है क्रिप्टेंस। दोनों है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो कि आपका प्लेनर अरेंजमेंट में होता है, जिनमें क्या होता है मेटल आयन इन द सेंटर ऑफ लिगेटिंग एटम कॉन्स्ट्रेनेड इन एलिंग एक रिंग के फॉर्म में रखा होता है और उनके बीच में आपका मेटल आयन्स होता है और ये जो इथरल ऑक्सीजन है जो लिगेटिंग एटम्स है वो दो मेथाइलिन प्रोटॉन्स एक ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन के साथ सेपरेट करता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स के बारे में जिनमें हमने दोनों को अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। होपफुली आपको ये भी समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका होगा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। एक तो आपको पीएच मेट्री या पोटेंशियोमेट्री के थ्रू कैसे निकलना है वो देखना है हमें। दूसरा है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट थ्रू स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।